झारखंड भारत का 17% कोयला उत्पादित करता है और देश की ऊर्जा जरूरतों में एक बड़ा योगदान करता है। हालांकि यह खनिज संपन्न राज्य नवीनीकृत ऊर्जा में काफी पीछे है। राज्य की सोलर बिजली उत्पादन की क्षमता मात्र 97 मेगावाट प्रतिदिन है। जब पूरी दुनिया में नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन पर जोर दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये आंकड़े एक निराशा पैदा करते हैं। लेकिन इन विपरीत हालात में सौर ऊर्जा से राज्य राज्य में कुछ ऐसे छोटे प्रयोग हुए हैं जो आशा पैदा करते हैं। सौर ऊर्जा के जरिए 42% बहुआयामी गरीब आबादी वाले इस राज्य में हाशिए के लोगों की आर्थिक स्थिति न सिर्फ दुरुस्त की जा सकती है, बल्कि कोयला आधारित अर्थव्यवस्था के बाद सौर ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण भी किया जा सकता है। पहले से फिंगर्स लगा के पटाते थे, अभी लग गया सोलर, तो इसी से पटाते हैं और बहुत सारे धान उग जाते हैं और सब्जी भी उग जाते हैं, आलू प्याज, और इधर सोलर से भी, और आदमी आशा भी करता है कि हम भी पटाएंगे। अभी झारखंड के रामगढ़ जिले में जहां आई फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में आधी कोयला खदानें बंद हो गई हैं, वहां सौर ऊर्जा से ग्रामीण महिलाओं, किसानों व छोटा कारोबार करने वालों को संबल मिला है। स्वयंसेवी संस्था अग्रगति, टेरी और सेल्को फाउंडेशन के साथ अलग अलग ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके जरिए महिलाएं सौर ऊर्जा संचालित सिलाई मशीन से अपनी आय का इजाफा कर पा रही हैं। इससे उन्हें बिजली का इंतजार नहीं करना होता है और उसकी वजह से काम बाधित नहीं होता, जिससे उनकी आय में एक तिहाई की वृद्धि हुई है। सिलाई मशीन मेरे पास है, और ये जो सोलर है उससे हम मोटर कनेक्ट करके अपना सिलाई का काम भी कर सकते हैं, और सिलाई मशीन से बहुत फायदा है, घर का काम भी होता है, बाहर से इनकम भी होता है। रामगढ़ जिले के गोला ब्लॉक के मगनपुर गांव की कनीजा फातिमा को पैर में दर्द की शिकायत थी, लेकिन सौर ऊर्जा संचालित सिलाई मशीन के कारण बिजली नहीं रहने पर पैर से उन्हें मशीन नहीं चलाना पड़ता है। इससे उन्हें स्वास्थ्य का लाभ भी हुआ है। इस गांव के लोग प्रमुख रूप से सिलाई का काम करते हैं और अब तक कम से कम 50 परिवारों ने सोलर संचालित सिलाई सिस्टम को अपना लिया है। सुनिए अग्रगति संस्था के किरण शंकर दत्ता क्या कहते हैं। लीगल इनॉग्रेशन प्रोग्राम किया गया, क्योंकि सारा बेनिफिशियरी को इनका बारे में जानकारी देते हुए ये इसमें सीसीएल का भी योगदान है, और इसके बाद सीसीएल एक प्रोग्राम को सक्सेस देख के, और ये लोग इंडिविजुअल घर घर जाके देखा जो वो टेलरिंग लगाया क्या हो रहा है, इसमें इतना इंप्रेस्ड हुआ। उसी मीटिंग में हमको प्रपोजल दिया गया है और 150 से 200 टेलरिंग आर्टिसंस के लिए इमीडिएट प्रपोजल दिया जाए, जिनको वो लोग सपोर्ट करने के लिए एग्री है। साथ साथ हम लोग सिल्वर ज्वेलरी आर्टिसंस को साथ भी काम करते हैं, उसी में भी हम लोग सोलर सोल्यूशन का कुछ डेमो किए, जिसको देख के मोटिवेट होने के बाद उस डेमो को स्केल अप करने का जो उनका कंट्रीब्यूटरी सपोर्ट सीसीएल देने के लिए एग्री हुआ, और एक प्रपोजल अभी सबमिशन के लिए बोला, प्रपोजल सबमिट हुआ। सौर ऊर्जा का प्रयोग कर ज्वेलरी का काम करने वाले चितरपुर के सुजीत कुमार आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हुए हैं। उनके घर पर लगी सौर ऊर्जा संचालित मशीन पर सोने और चांदी की बिलाई करने कई कारीगर आते हैं। उनका कहना है कि इससे काम आसान हो गया है, बिजली का खर्च कम हो गया है और बिजली नहीं रहने पर काम नहीं रुकता है। इसी तरह सोलर ऊर्जा का उपयोग गोला प्रखंड की संग्रामपुर पंचायत के सरला कला गांव के सखी सवेरा कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा भी किया जाता है। सखी सवेरा कृषक प्रोड्यूसर कंपनी से करीब 549 किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें 125 के करीब महिला सदस्य हैं। यह FPO सोलर एनर्जी का प्रयोग कर धान की कुटाई, तेल निकालने जैसा काम करता है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2022 में दूसरी बार अपनी सौर ऊर्जा नीति का ऐलान किया। राज्य सरकार की सौर ऊर्जा एजेंसी जेडा का कहना है कि वह सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। सुनिए जेडा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुकेश प्रसाद
क्या कहते हैं। तो एक हम लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो हम लोगों का केंद्र सरकार के सहयोग से जो पीएम कुसुम स्कीम हमारा चल रहा है, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया कि आप जो सोलर वाटर पंप जो आप लेते हैं वो आप अपने घर की महिला के नाम से ले। और हम लोगों ने इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भी हम लोगों के सामने आया कि हम लोगों संथाल परगना के क्षेत्र में खासकर हम लोगों ने इसकी काफ़ी कैंपेन चलाया, तो जिसमें कि हमारा सहयोग दिया था FCDO एक संस्था है UK बेस्ड, उनका सहयोग था जिसमें जिसके मदद से हम लोगों ने महिलाओं को जागरूक किया और महिलाओं के नाम से पंप देने की कोशिश किया, जिससे कि महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना भी उत्पन्न होती है। बहरहाल यह छोटे प्रयास अच्छे हैं, लेकिन झारखंड को अभी नवीनीकृत ऊर्जा में मीलों लंबा सफर तय करना है।